मैं इस समय विशाखापट्टनम में हूं, जहां पिछले चार दिनों से 21वीं पार्टी कांग्रेस जारी है। इस दौरान मार्क्सवादियों ने अपने नए महासचिव का चुनाव किया है। प्रकाश करात के बाद अब पार्टी के नए महासचिव होंगे सीताराम येचुरी। माना जा रहा है कि सीताराम पिल्लई वर्सेस सीताराम येचुरी में उनकी विजय हुई, क्योंकि उनके पास अनुभव था और साथ ही साथ युवा पीढ़ी से जुड़ने का आभार। देश के सियासत में लगातार सिकुड़ती वाम शक्ति को मजबूत करने का जिम्मा अब सीताराम येचुरी के कंधों पर आ गया है। विशाखापट्टनम में सीपीएम के 21वें सम्मेलन के समापन के मौके पर येचुरी को पार्टी के नए महासचिव के तौर पर सर्वसम्मति से चुन लिया गया। 16 मेंबर जो नीतियां हैं उसके चलते हुए उनके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ती जा रहा है, सांप्रदायिक तनाव की वातावरण जो है और बढ़ती और फैलती जा रही है। इसे हमारे देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखना, लोगों की हालत को बेहतर करना, अब इसके लिए जो संघर्ष है करनी है। महासचिव पद की रेस से एस रामाचंद्रन पिल्लई के नाम वापस लेने के बाद येचुरी पहली पसंद बनकर उभरे। उनके नाम का प्रस्ताव निवर्तमान महासचिव प्रकाश करात ने ही रखा था। एस रामाचंद्रन पिल्लई ने इसका अनुमोदन किया। इसके साथ ही पार्टी ने अपनी केंद्रीय कमेटी के 91 सदस्य और 16 सदस्य पोलित ब्यूरो को भी चुना। टू टेक द स्ट्रगल्स ऑफ द पार्टी अगेंस्ट द मोदी गवर्नमेंट्स ऑल आउट ऑनस्लॉट ऑन द पीपल ऑफ दिस कंट्री। मार्क्सवादियों का वर्चस्व इस समय सिर्फ त्रिपुरा में रह गया है, बाकी सब जगह उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में पार्टी को लगता है कि सीताराम येचुरी के रूप में नए महासचिव हो सकता है नई पीढ़ी से जुड़ने में मदद करें और साथ ही साथ तकनीक का भी फायदा उठाएं। आखिरकार मार्क्सवादियों को लगता है कि समय के साथ बदलना उनकी मजबूरी के साथ साथ जरूरत भी है। 62 साल के येचुरी सीपीएम के सबसे जाने पहचाने चेहरे हैं। पिछले महासचिव प्रकाश करात जहां सख्त सिद्धांतों के पक्षधर थे, वहीं येचुरी को लेफ्ट के व्यवहारिक नेताओं में गिना जाता है। इसी वजह से सियासत में पार्टी से बाहर भी येचुरी के मित्रों की कमी नहीं है। सीपीएम को उम्मीद है कि येचुरी अपनी व्यवहारिक सोच से पार्टी का प्रभाव बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। विशाखापट्टनम से मनोज्ञा लोहिवाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये थी आज की चार बड़ी सियासी खबरों पर हमारा खास बुलेटिन। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।